हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद चौधरी, आपका विक्की सी मैथ सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की वैदिक मैथ्स। फर्स्ट एक्सरसाइज है 10th क्लास की, जो कि 4 नंबर की आती है बोर्ड एग्जाम में। तो जो अंक डिवाइडेशन है वो है 1+1+2 में, यानी दो क्वेश्चन पहला और दूसरा, ये दोनों एक एक नंबर के आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है 11वां, जो कि 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इस साल जो क्वेश्चन आया था एक नंबर का, वो तो आया, एक तो आया था शून्य साम्य से, एक आया था एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो स्क्वेयर करना आया था निखिलम से, और एक जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वो था सूत्र परावर्तन से आपको डिवाइड करना था। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये तीनों ही बहुत इजी क्वेश्चन थे इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो कि 30 तारीख को पेपर हुआ था। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, जिसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों हैं निखिलम मेथड से डिवाइड करना। तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है निखिलम से मल्टीप्लाई करना, आगे 9th में निखिलम से स्क्वेयर करना। तो जब भी आप निखिलम से डिवाइड करो या निखिलम से आप मल्टीप्लाई करो, तो उसमें हमेशा ही आपको बेस लेना पड़ता है, क्योंकि निखिलम मेथड का दूसरा नाम है बेस सब बेस मेथड। तो यहाँ पर निखिलम से जब भी अपन डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपको बेस सब बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जब आप डिवाइड करोगे निखिलम से, तो निखिलम से डिवाइड में आपको जो बेस लेना होगा वो डिविजर को लेना होगा, डिविजर को देखकर लेना होगा, यानी आपको भाजक है उसको देखकर आपको आधार लेना होगा कि आप क्या आधार लोगे, वो बेस किस बेस के क्लोज नंबर है। तो यहाँ पे जो ये 97 है ये 100 के क्लोज है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बेस लेंगे, वो 100 लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे बेस, बेस है 100। अब बेस के बाद में अपन ड्यूएशन निकालेंगे, विचलन, विचलन है वो भाजक के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो जो ड्यूएशन है, तो ड्यूएशन है वो भाजक के अकॉर्डिंग निकालना है अपने को। तो यहाँ जब भी आप डिवाइड करोगे, तो निखिलम से डिवाइड में ड्यूएशन हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, चाहे वो बेस से लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो। तो यहाँ पर 100 में से 97 अगर आप माइनस करते हो तो जो ड्यूएशन है वो आएगा 3। तो इसको अपन 03 लिखेंगे, क्योंकि बेस में अगर 2 जीरोज है तो वो ड्यूएशन भी 2 डिजिट का होना चाहिए। जैसे अगर 10 होता और ये 7 होता तो आप ओनली 3 लिखते, अगर ये 1000 है और ये 997 है तो आपको 003 लिखना होगा। बेस में जितने जीरोज है उतने ही डिजिट का आपको विचलन लिखना है, ड्यूएशन लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 03, ये क्या है, विचलन है। अब इस 97 से आपको डिवाइड करने के लिए, जैसे अपन दवजांग के अंदर कॉलम बनाते हैं वैसे ही आपको, अब इस कॉलम में आपको क्या क्या लिखना है, इस कॉलम में आपको सबसे पहले जो यहाँ फर्स्ट के अंदर आपको लिखना होगा बेस, डिवीजन वगैरह लिखना होगा, जो भी डिविजर है। तो यहाँ पे अपने बेस लिखेंगे, बेस है वो 100 है, वो लिख दिया। डिविजर है, डिविजर है 97 है, और जो ड्यूएशन है, ड्यूएशन यानी विचलन, विचलन कितना है 03 का। तो ये अपने को यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो ये लिखने के बाद अब सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या करना है, यहाँ निखिलम से जब भी डिवाइड करो या सूत्र परावर्तन से आप डिवाइड करो, तो थर्ड कॉलम के अंदर आपको जो भी आपके पास डिवाइडेंट है, भाज्य है, उसमें से बेस में जितने जीरोज है, बेस में 2 जीरोज है, तो आपको थर्ड कॉलम में लास्ट के 2 डिजिट आपको लिखने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन है, 4 और 5, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है वो आपको मिडिल कॉलम में इसमें लिखना है। तो वो आप थोड़ा थोड़ा गैप से लिख दोगे, तो ये 12 बचा हुआ है, तो ये 1 और 2, ये लिख दिया अपन ने मिडिल वाले कॉलम में। तो आपको थर्ड कॉलम में जितने बेस में जीरोज है उतने लिखने हैं, बाकी के जो भी रिमेनिंग डिजिट बचे हैं वो आपको मिडिल वाले कॉलम में लिखना है। फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, बेस, डिवीजन और डिविजन, ये आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट जो डिजिट है वो एज इट इज आप एरो लगा करके नीचे उतार दीजिएगा। तो ये फर्स्ट डिजिट है ये 1 का 1, ये अपन ने नीचे उतार दिया। इसको नीचे उतारने के बाद इसका मल्टीप्लाई आपको इस डिवीजन से करना है। तो डिवीजन कौन है, 03 से मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, कि सबसे पहले आप जो लेफ्ट साइड में डिजिट है उससे करोगे, फिर राइट वाले से करो, यूनिट से नहीं करोगे स्टार्टिंग। और वो लिखना कहाँ पर है, इस एरो के
आगे जो भी डिजिट है उसके नीचे से लिखना शुरू करना है। तो वन का मल्टीप्लाई आप जीरो से करोगे, तो वन का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो ये जीरो यहाँ पे लिखोगे आप टू के नीचे। अब वन का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो वो नेक्स्ट डिजिट के नीचे, तो ये थ्री लिख दिया। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो ओनली एरो के बाद में आने वाला जो फर्स्ट डिजिट उसी का करना है। तो टू का जीरो में ऐड करोगे तो ये एरो लगा करके आप इसको नीचे उतार दो, तो टू में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टू आ गया है। अब इस टू का अगेन मल्टीप्लाई डिवीजन से करना है, यानी जो भी डिजिट यहाँ पे नीचे उतार लिया उसका मल्टीप्लाई आपको इधर डिवीजन से करना है। तो टू का जीरो से करेंगे तो ये जीरो आ गया, एरो के नेक्स्ट आपको लिखना है ये। टू का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो ये आ गया सिक्स। अब एरो लगाने के बाद में जो प्रोसेस, यहाँ मिडिल वाले कॉलम में कोई डिजिट नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट थर्ड कॉलम में जो है उनको वापस सम कर लोगे, तो ये फाइव और सिक्स हो गया, इलेवन हो गया, तो ये वन, फोर और थ्री सेवन, और वन हो गया वो एट हो गया। तो ये जो आपके पास आंसर बचा है, इस आंसर के अंदर ये जो ट्वेल्व है वो तो हो गया क्वेश्चन, और ये 81 है वो है रिमाइंडर। अब 81 फाइनली रिमाइंडर है या नहीं है वो आपको चेक करना है। अगर ये थर्ड कॉलम में जो सम करके आपने नीचे उतारा है ये डिविजर से लेस देन है, आपका जो भाजक है 97 था इससे ये छोटा है, तो ये फाइनल आपका रिमाइंडर होगा, सेसफल होगा। अगर इससे बड़ा होगा तो आपको अगेन डिवाइड करना होगा 97 का, आगे ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। तो ये 81 97 से लेस देन है तो ये फाइनली रिमाइंडर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो भागफल तो आ गया है वो आ गया है 12, और जो सेसफल आ गया है वो आ गया है 81 आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है, जो कि आप नीचे यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का जो निखिलम है इसी टाइप से वो दूसरा एक सूत्र परावर्त्य है, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था दो नंबर के अंदर, सूत्र परावर्त्य से करना, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने ये भी कहा था कि एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है, जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी थे, तो आप उनको ध्यान से कीजिएगा। अब अपन आगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 311 को 8 से डिवाइड करना है। तो इसमें जो अपन बेस लेंगे वो जो आपके पास डिविजर है 8 उसको देख कर लेंगे, तो 8 के अकॉर्डिंग, 8 किसका क्लोज नंबर है 10 का, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को बेस है वो क्या लेना होगा 10 बेस लेना होगा। अब बेस के बाद जो ड्यूएशन है, जो विचलन है, विचलन कितना होगा कि 10 से जो 8 कितना लेस देना है 2, तो ये हो गया 2 हो गया ड्यूएशन। ये जो ड्यूएशन है ये वन डिजिट का ही लेंगे, क्योंकि बेस 10 में एक ही जीरो है तो ड्यूएशन भी एक ही डिजिट का होगा, तो ड्यूएशन आ गया है 2। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सा डिजिट उतारना है, फर्स्ट कॉलम में आपको बेस लिखना है, बेस हो गया है 10, डिविजर है वो हो गया 8, और ड्यूएशन जो विचलन है वो हो गया 2। अब थर्ड कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम में जो आपके पास डिवाइडेंट था, भाज्य था, उसका लास्ट एक ही डिजिट उतारेंगे, क्योंकि बेस 10 में एक ही जीरो है तो उसका लास्ट एक ही डिजिट यानी 1, तो लास्ट एक ही डिजिट 1 है वो अपन थर्ड कॉलम में लिखेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग डिजिट है 31 ये अपन मिडिल कॉलम में लिखेंगे, तो ये 3 और ये 1 आपको थोड़ा थोड़ा इंटरवल से आपको लिखना है, तो ये 3 और 1 लिख दिया है। अब जैसे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी तरह से अपने को फर्स्ट डिजिट है वो एज इट इज एरो लगा करके आप उसको नीचे उतार दीजिएगा, तो ये फर्स्ट डिजिट है वो 3, तो इसको अपन ने नीचे उतार दिया एज इट इज। अब इस 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई ड्यूएशन से करेंगे तो ड्यूएशन एक डिजिट का है, 3 का 2 से करेंगे तो ये आ गया 6, वो अपने एरो के नेक्स्ट वाले डिजिट के आगे लिखना है, ये 6 आ गया है। अब जो अपने सम करेंगे वो नेक्स्ट एरो के आगे जो भी डिजिट है उनका करेंगे, तो 6 और 1 है ये कितना हो जाएगा 7 हो गया है, तो ये 7 इनका सम हो गया है। अब इस 7 का मल्टीप्लाई किससे करना है, ड्यूएशन से करना है, तो ड्यूएशन कितना है 2, तो 7 का 2 से करेंगे तो ये आ गया 14। अब लास्ट थर्ड कॉलम में ही सम करना है, मिडिल वाले में तो सब हो गए हैं, तो 14 और 1 को ऐड करेंगे तो ये आ गया है 15। अब जो ये 15 आया है वो डिविजर है, इससे ग्रेटर देन है, 8 से ग्रेटर देन है ये 15, तो जब भी ये ग्रेटर देन आ जाए तब ये फाइनल आपका रिमाइंडर नहीं होगा, एक बार अगेन आप जो डिवाइड करोगे वो रफ में करोगे। तो 15 को आप 8 से डिवाइड है ये आपको अलग रफ में करना है, तो 15 को 8 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स होगा, अब 15 माइनस 8 करोगे तो ये 7 आया है। तो जो ये 1 आया है आपके पास क्वेश्चन
ये वन आपके पास जो पहले से जो क्वेश्चन है उसमें ये ऐड करोगे, तो 37 में ये वन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 38 हो गया है। और ये 15 माइनस जो आपने ऐड किया है ये आपको लास्ट वाले कॉलम में लिख के दिखाना है। तो ये 15 माइनस 8 करने पर जो फाइनली रिमाइंडर आया वो कितना आया है, 7 आया है। तो ये 7 हो गया है फाइनली रिमाइंडर, और 38 हो गया ये क्वेश्चन। तो आपको ये यहाँ भी कॉलम बना करके लिख देना है भी जो क्वेश्चन है वो कितना आ गया है, 38 आ गया है, और जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 1013 को आपको 88 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए अपने को आधार वगैरह क्या लेना होगा, तो बेस है वो अपने को 88 के अकॉर्डिंग लेना है। तो 88 किसका क्लोज नंबर है, 100 का। तो जो आधार है वो कितना लेंगे अपन, 100। अब जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन 88 उससे कितना लेस देन है, तो 88 है वो 12 है। तो ये 12 में दो डिजिट है, तो 100 बेस के अंदर जब दो जीरोज है तो ड्यूरेशन के अंदर भी दो डिजिट है, तो आपको एक जीरो और लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया है ड्यूरेशन। अब इन कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम में अपने क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। तो बेस है अपने पास है वो 100। उसके बाद में आप लिखोगे डिविजर क्या है, तो जो डिविजर है वो है 88, और जो ड्यूरेशन है विचलन है वो विचलन कितना है, 12 का है। तो आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा वो इसे 12 से ही करना है। तो यहाँ पे अब थर्ड कॉलम में कितने डिजिट उतारोगे, थर्ड कॉलम में आपको बेस में दो जीरोज है तो लास्ट कॉलम के अंदर आपको इससे दो डिजिट ही लेने हैं, यानी 13 आपको थर्ड कॉलम में लिखना है। तो ये 1 और 3 ये लिख दिया थर्ड कॉलम में। अब मिडल में क्या करेंगे, मिडल में जो रिमेनिंग डिजिट बचे हुए ये 10 है, तो ये इसको आप थोड़ा इंटरवल से लिख दोगे, ये 1 और 0। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले उसी तरह से फर्स्ट डिजिट है वो एजिटिज आपको एरो लगा करके नीचे उतारना है। तो ये पहला वो एजिटिज आप एरो लगा करके नीचे उतार दोगे, तो ये एरो लगा करके नीचे उतारा है तो ये 1 लिख दिया है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई आपको इस विचलन से करना है, और आपके पास जो विचलन है वो है 12। तो 12 में सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। मल्टीप्लाई आपको हमेशा ही लेफ्ट साइड से करना है। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरो के नेक्स्ट आप इस 0 के नीचे लिख दोगे 1, 1 का 2 से करेंगे तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे आगे वाले डिजिट के नीचे 2। अब जो आपको सम करना है वो आपको एरो के नेक्स्ट वाले डिजिट का करना है। तो 0 में आप 1 ऐड करोगे तो ये आ गया है 1। अब अगेन इस 1 का मल्टीप्लाई आपको 12 से करना है, तो 1 का 1 से करेंगे तो एरो के नेक्स्ट लिखोगे आप, तो 1 का 1 से करेंगे तो ये 1, 1 का 2 से करेंगे तो ये 2। अब लास्ट कॉलम के अंदर जो डिजिट बचे हुए हैं उनका अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया है, 5 हो गया है, और 2 और ये 1 और 1 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया है। तो ये 45 आ गए। अब ये 45 ये फाइनली रिमाइंडर है या नहीं, तो वो देखो 88 था आपके पास डिविजर, तो इससे लेस देन है इसलिए ये फाइनली रिमाइंडर है। और जो क्वेश्चन है वो कितना है, 11 है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि क्वेश्चन है वो कितना है अपने पास, 11 है, और जो रिमाइंडर है वो कितना है, 45 है। ये फाइनली आंसर हो गया। हिंदी मीडियम में लिख दोगे कि भागफल है 11 और शेष फल है वो 45। और बेस को बोलते हैं आधार, डिविजर को बोलते हैं भाजक, और ड्यूरेशन को बोलते हैं विचलन। तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो कि निखिलम से डिवाइड करना था।